बंद किया है, बंद किया है, अब बंद किया है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सफर कर, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सारा कोई ठीक हो जाएगा। पानी ले आओ, पानी ले आओ, अब पानी पी ला, पानी पी ला, आराम ला, आराम ला, ऐ ले जाओ भाई, हौसला रख, हौसला रख। अल्लाह की हो गया तो जो रब नो मजदूर हूं तू पढ़ नहीं सकता हूं तू साडा ही सारा बन मेनू किराया चाहिए नहीं तो दुकान खाली करा लेनी है अस्सलाम वालेकुम सईद साहब, सईद साहब आप मेरा फ़ोन नहीं पिक कर रहे, सुबह एजुकेशन मिनिस्टर आ रहा है उसके लिए हमें कुछ तैयारियां करनी है, आपने कोई रिपोर्ट नहीं दी मुझे। जी क्या कर रहे हो तुम, पागल हो तुम, हटो बेवकूफ, हटो यहां से, साहब लाली नादिर, साहब लाली नादिर, साहब लाली नादिर, क्या कर रहे हो यार, भीख मांगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती, पता ही भीख मांगना गुनाह है, खुदा ताला की जात ने तुम्हें हाथ दिए, पढ़ो लिखो अपना काम करो कमाओ और फिर जाओ तुम अपने घर वालों के साथ उनको सपोर्ट करो, नासूर हो तुम पाकिस्तान के लिए, तुम लोगों ने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया हुआ है, हटो यहां से।
क्या बात है बेटा, इतने मायूस क्यों बैठे हो, क्या हुआ? सर बस क्या बताऊँ आपको सर, सर पढ़ाई का बहुत शौक था सर, लेकिन सर एक हादसे ने ख्वाबों की कीमत नहीं होती, आंखों में बसने वाले ख्वाब ना शाही देखते हैं ना फकीरी देखते हैं, आंखों में पनपने वाले ख्वाब ना अमीर की चारा गरी होते हैं ना गरीबी पौन से दूर होते हैं। ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, ख्वाब तो रोशनी है, ख्वाब तो मंजिल का निशान है, ख्वाब तो कामयाबी का जीना है। और जब इन्हीं ख्वाबों की तबीर के लिए रामो सुकून अपना चैन दाव पर लगा कर जहते मुसलसल की जाए तो इसी हाल में मौजूद गुमनाम शख्स को हारिस बना देती है। हारिस जिंदगी हमें यह बतलाती है कि लाख आंधी आए लाख तूफान आए, जज्बा अगर सच्चा हो तो मंजिल मिल ही जाती है। हारिस की जिंदगी हमें यह बतलाती है कि लगन अगर सच्ची हो तो टाट पर बैठ कर एक सरकारी स्कूल में तालीम हासिल करने के बाद भी आप बुलंदियों को छू सकते हैं। हारिस की जिंदगी हमें यह बतलाती है कि कामयाब सिर्फ पैसों के रूप में मिन्नत नहीं होती। मैं भरपूर तालियों के साथ बुलाना चाहूंगा हारिस उमर को, जिन्होंने ना सिर्फ पंजाब भर में नुमाया पोजीशन हासिल की बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हारिस उमर तशरीफ लाएं और अपना इनाम हासिल करें। आप उस दिन मुझे वो धक्का ना देते, वो एहसास ना दिलाते तो शायद इस मुकाम पर मैं कभी भी ना पहुंच पाता।